देखने लायक बनती है। पैसा वसूल, पूरा पैसा, 5 out of 5 और 5 out of 100 भी देखो, ब्लॉकबस्टर होनी होगी। नमस्कार दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल सिनेमाघरों में आ चुकी है। रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना द्वारा अभिनीत यह फिल्म मेघना गुलजार की सैम बहादुर के साथ रिलीज हुई। हालांकि कल सुबह से ही फैंस रणबीर कपूर के इस फिल्म को लेकर दीवाने दिखे हैं। इस वक्त ट्विटर पर फैंस के रिव्यू और रिएक्शन सामने आ रहे और जो कि आपको हैरान करने के लिए काफी है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं और कुछ ने तो ब्लॉकबस्टर ही करार दे दिया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि रणबीर कपूर को इस धमाकेदार एक्शन थ्रिलर को बोरिंग बता रहे। आप देखे रिएक्शन। एक दर्शक ने लिखा है, अभी अभी यह फिल्म खत्म हुई है, पहले 25 मिनट और रणबीर के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन ने सचमुच मुझे रोमांचित कर दिया, यह बहुत बड़ा होने वाला है। एक ने लिखा है, एक्शन में रणबीर कपूर की अगर बात करें तो कुछ और ही है, उन्होंने सभी उम्मीदों को पार कर लिया। #एनिमल के बाद RK पर एक्शन फिल्म के ऑफर भी भरमार हो जाएंगे। तेज, चालाक, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वह नहीं कर सकता। एक ने लिखा, ब्लॉकबस्टर फिल्म है। एक ने तो लिखा, ये सिर्फ वन मैन शो है। और एक का तो कहना था, बोरिंग फिल्म, गलती हो गई आने में। इस तरह के लोग रिएक्ट कर रहे हैं। रणबीर कपूर इस फिल्म में एक बड़े बिजनेसमैन बलबीर सिंह अनिल कपूर के बेटे हैं। उनका नाम अर्जुन सिंह है। अगर कोई उनके पिता को चोट पहुंचाता है तो दुनिया में आग लगाने के लिए तैयार है। दोनों के बीच का रिश्ता खराबी के तम चरम पर पहुंच जाता है जब कोई उसके पिता पर हमला कर देता है। फिल्म में बॉबी देओल को अर्जुन का दुश्मन दिखाया है जबकि रश्मिका मंदाना ने रणबीर की पत्नी का किरदार निभाया है। इस फिल्म को देखकर लोग काफी हैरान हैं। तो दोस्तों, क्या आपने एनिमल ये फिल्म देखी है? अगर देखी है तो आपको कैसी लगी? तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के फिल्मी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।